हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के बीहड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फन दे हैड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो तुम लोग को याद रखनी है ऑब्वियसली वो है इस चैप्टर के राइटर का नाम, जो कि है आइजैक एसिमोव। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम वेरी 100% श्योर कि आप अगर ये वीडियो फुल देखेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बताती चलूँ कि ये स्टोरी पूरी की पूरी फ्यूचर बेस्ड है। यानी इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे। सो फ्रेंड्स, तुम सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे कितना मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। सो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तो यार, मैं कितनी मुश्किल से ये सभी वीडियोस बनाती हूँ ताकि तुम सभी को समझ में आए। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। तो चलो, मैं आपको आज भविष्य में लेकर चलती हूँ। तो क्या तुम लोग तैयार हो मेरे साथ फ्यूचर ट्रैवल करने के लिए? तो हम लोग पहुँच गए हैं इन द ईयर 2157 में। तो इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, पहला है मार्गी और दूसरा है टॉमी। मार्गी जो है वो एक लड़की है और टॉमी एक लड़का है। टॉमी की एज 13 ईयर्स है, जो तुम लोग याद रखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, मार्गी जो है वो अपनी डायरी लिख रही होती है और उसका डेट होता है 17 मई 2157। तो वो अपने डायरी में लिखती है कि टॉमी ने एक रियल बुक खोजी है और वो बुक काफ़ी ही पुरानी थी। फिर वो दोनों पेजेस पलटते हैं और वो देखते हैं कि वो पेजेस येलो कलर के थे और काफ़ी ही पुराने थे। फिर वो लोग देखते हैं कि उन पर जो वर्ड्स लिखा हुआ था वो सभी स्टिल थे, यानी कि वो वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे। और वो लोग ऐसा नोटिस क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग टेलीबुक से पढ़ाई किया करते थे और टेलीबुक्स के जो वर्ड्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। फिर टॉमी जो है वो मार्गी को बताता है कि ये बुक एक बार पढ़ने के बाद वेस्ट हो जाता है और इसका दोबारा कोई यूज़ नहीं है। तो टॉमी को वो बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक बार ही पढ़ सकता था उसे, जबकि उनका जो टेलीबुक्स है वहाँ पर मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल होते हैं और वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होते हैं, और वो टॉमी के लिए काफ़ी अच्छा था, बेस्ट था। तो उसे वो बुक पसंद नहीं आता, पर मार्गी को वो बुक पसंद आता है और वो उसे रख लेती है। फिर मार्गी उससे पूछती है कि ये जो बुक है ये किस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है। तो टॉमी उसे बताता है कि ये स्कूल के ऊपर लिखा गया है। सो जो मार्गी होती है वो कहती है, स्कूल? स्कूल भी कोई लिखने की चीज़ है? कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है? तो टॉमी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि स्टूपिड, ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये पुराने ज़माने का स्कूल है, करीब सेंचुरीज एगो। तो मार्गी जो है वो थोड़ा बुरा फील करती है और वो कहती है कि हाँ ठीक है, और वो कहती है कि एनीवे उनके भी तो टीचर्स होते होंगे। तो टॉमी इस पर कहता है, ऑब्वियसली उनके टीचर्स थे, बट वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक ह्यूमन हुआ करता था। तो ये सुनने के बाद जो मार्गी है वो थोड़ी शॉक हो जाती है, अ ह्यूमन टीचर? एक ह्यूमन टीचर कैसे बच्चों को पढ़ा सकता है? एक ह्यूमन टीचर उतना स्मार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर मार्गी और टॉमी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि एक ह्यूमन टीचर उतना स्मार्ट नहीं हो सकता। तो इस पर टॉमी जो है वो कहता है कि हाँ ऑब्वियसली हो सकता है, तुम मेरे फादर को ही देख लो, वो मेरे टीचर जितना ही स्मार्ट है। तो मार्गी कहती है कि हाँ ठीक है, बट मैं एक स्ट्रेंज ह्यूमन को अपने घर पर अलाउ नहीं करूँगी आने देने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए। तो इस पर जो टॉमी है वो हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं पता, उन लोग का एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जिसे वो लोग स्कूल कहकर बुलाते थे, और वहाँ पर सभी बच्चे आते थे, एक साथ मिलजुल कर पढ़ाई करते थे, और वो सभी लगभग एक एज के हुआ करते थे। तो इस पर जो मार्गी है वो कहती है कि मेरी मम्मी तो कहती है कि सभी बच्चों का अलग आईक्यू लेवल होता है, इसलिए उन्हें अलग अलग तरह से पढ़ाना चाहिए उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से। तो इस पर जो टॉमी है वो कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं आ रहा तो तुम मत पढ़ो, तुम्हें पढ़ने के लिए कौन बोल रहा है?
तो इस पर जो मार्गी है वो तुरंत कह देती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं आया। सो फ्रेंड्स, तुम लोगों ने एक बात यहाँ पर नोटिस की कि जो मार्गी है वो हमेशा अपने असाइनमेंट्स, अपने होमवर्क्स, अपने स्कूल्स को लेकर बिजी हुआ करती थी, तो यहाँ पर वो टॉमी से इतना बात कैसे कर रही है? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मार्गी का मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी में टेस्ट लिए जा रहा था कई हफ्तों से, और कई हफ्तों से मार्गी उसमें बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रही थी। तो उसकी मम्मी को डाउट हुआ और उसकी मम्मी उसके मैकेनिकल टीचर को दिखाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? काउंटी इंस्पेक्टर यानी वो पर्सन जो रोबोट्स वगैरह ठीक करता है। तो उसकी मम्मी उसके मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट को काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेकर जाती है। तो जब काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी को देखता है तो वो उसे देखकर एक स्माइल करता है और फिर उसे एक एप्पल देता है और उसके रोबोट को लेकर चला जाता है। तो मार्गी को लग रहा था कि शायद वो उसके टीचर को ठीक ना कर पाए, लेकिन वो ठीक करके ला देता है 1 घंटे में, और मार्गी को वो लार्ज ब्लैक अगली बिग स्क्रीन वाला वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहती है कि वो उतना बुरा नहीं था, बट पर सबसे ज़्यादा नफरत मार्गी को जो थी वो उस पार्ट से कि उसे स्लॉट में अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सब सबमिट करना होता था और उसे पंच कोड में वो सब लिखना पड़ता था, और उन पंच कोड्स को उसने तब याद किया था जब वो 6 ईयर्स की थी। ओके, तो उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके मार्क्स को बिना टाइम लिए नो टाइम में कैलकुलेट कर देता था। तो ये चीज़ मार्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करके लाता है और उसकी मदर से कहता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है कि वो इतने दिनों से बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रही थी, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल क्या हुआ था कि जो ज्योग्राफी के लेसन्स है वो उसके लेवल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, यानी उसके IQ लेवल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, जिसकी वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो वो कहता है कि मैंने उसे उसके लेवल पर सेट कर दिया है और अब सब कुछ ठीक है। तो ये सब सुनने के बाद जो मार्गी है वो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाती है। उसे लग रहा था कि उसका टीचर ज़्यादा दिनों के लिए उससे दूर रहेगा, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि टॉमी का टीचर उससे 1 महीने तक दूर था। क्यों दूर था? क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्शन था टॉमी का पूरी तरह से उड़ गया था, यानी कि पूरा इरेज हो गया था, जिसे ठीक करने में उन्हें 1 महीने लग गए थे। तो मार्गी भी यही आशा कर रही थी कि उसका टीचर भी उससे ज़्यादा दिनों के लिए दूर हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाती है। तो ये जो 1 आवर का टाइम था जिसमें वो काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कर रहा था, उस 1 आवर में वो लोग ये सब बातें कर रहे थे। तो क्या होता है कि वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ओल्ड स्कूल्स के बारे में, तभी क्या होता है कि मार्गी की मम्मा यानी कि उसकी मम्मी उसे बुला लेती है। तो मार्गी जो है वो अपने स्कूल रूम में चली जाती है जो कि उसके बेडरूम के बगल में था, और वो एक रूम था जिसमें सारे कंप्यूटर्स वगैरह थे और उसका रोबोट था जो उसे पढ़ाता था, उसे गाइड करता था। ओके, तो मार्गी को सिर्फ सैटरडे और संडे को ही छुट्टी मिला करता था। सो जो मार्गी की मम्मी थी वो उसके पढ़ाई को लेकर काफ़ी ही सीरियस थी, बट वो सैटरडे और संडे को मार्गी को छुट्टी मिलता था शेड्यूल टाइम पे। मंडे टू फ्राइडे मार्गी पढ़ा करती थी, बट सैटरडे और संडे को मार्गी को छुट्टी मिलता था, क्योंकि उनकी मम्मी का मानना था कि ये लड़की छोटी है इसलिए ये सिर्फ रेगुलर आवर्स में ही पढ़ सकती है। सो उस दिन मार्गी को एरिथमेटिक पढ़ना था, तो उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे होमवर्क इंसर्ट करने को कहता है प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी अपना होमवर्क इंसर्ट करती है और फिर वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर जाया करते थे, सारे बच्चे एक साथ मिलकर अपने नेबरहुड से जाते थे, हंसते थे और एक साथ खेलते थे, वो एक साथ स्कूल पहुँचते थे और फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद एक साथ वो घर आते थे, कितना मस्ती किया करते थे, वो सभी एक ही चीज़ पढ़ते थे, और अगर किसी को दिक्कत होती थी तो वो सभी डिस्कस भी कर सकते थे, एंड उनके टीचर्स भी वो ह्यूमंस हुआ करते थे। तो मार्गी ये सब सोच रही होती है और उसके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 वी गेट
तो मार्गी ये सब सोच रही होती है और उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ नहीं होता है और वो पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है और वो सोच रही होती है कि उनको कितना मज़ा आता होगा, द फन दे हैड। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी।